ये है मुंबई की मेट्रो लाइन 5 और यहाँ पर पिछले एक साल में काफ़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन हम कोई मेट्रो कंस्ट्रक्शन देखने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को देखने जहाँ की लाइफस्टाइल ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो हे गाइस, हम हैं कोलशेत रोड पर और हम जा रहे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी को देखने जो कि काइंड ऑफ टाउनशिप है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और ये एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी है और इस जो ग्रुप के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं। सो हम पहुंच गए हैं लोधा अमारा और यहाँ पर काफ़ी सारे लोधा के प्रोजेक्ट्स हैं। राइट साइड में आप देख सकते थे एग्जिट गेट था लोधा हमारा का, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ है इनका सेल्स ऑफिस, तो जो इनका नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए सेल्स ऑफिस बनाया गया। तो यहाँ हमने एंट्री कर ली है, हमारे लेफ्ट साइड में है यहाँ की मल्टी लेवल पार्किंग और सामने आप जो देख सकते हैं वहाँ रहेंगे इनके स्विमिंग पूल और भी अमेनिटीज, गार्डन एरियाज वगैरह रहेंगे। सो यहाँ इस तरीके से सोसाइटी में एंटर हो जाते हैं, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर रहे थे वो लोग। तो ये है इनकी फर्स्ट टावर और आप ऊपर से एक लुक देख सकते हैं, 30 फ्लोर्स की आई थिंक ये टावर रहेगी इनकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए, काफ़ी अमेनिटीज़ हैं यहाँ पर, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इनकी अमेनिटीज़। और देखिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने का फ़ायदा यही होता है कि सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाता है, आपको यू नो पोजेशन तक का वेट नहीं करना है कि पहले पोजेशन मिलेगा आपको फ्लैट मिल जाएगा, बाद में आपकी अमेनिटीज़ वहाँ बनती हैं, धीरे धीरे शुरू होती हैं, फिर कब आप यूज़ करेंगे, और जब आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाते हैं तो आपको सब कुछ बना हुआ मिलता है, बस आपको रहना है और आपको इन्जॉय करना है अमेनिटीज़ को। तो यहाँ हम टावर ए से अब एफ पे आ गए हैं और यहाँ से एक ओवरऑल लुक पूरी बिल्डिंग का पूरे। सो यहाँ लेफ्ट साइड में है किड्स प्ले एरिया और काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा किड्स प्ले एरिया है और अपनी हर टावर के हर क्लस्टर के अपने किड्स प्ले एरिया बने हुए हैं। ये हमारे राइट साइड में है टेनिस ग्राउंड, साथ में यहाँ है फुटबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल ग्राउंड, तो ये इस तरह का काफ़ी बड़ा सा एक ग्राउंड दे रखा है जहाँ पर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी है, जॉगिंग ट्रैक दिया है काफ़ी अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 लाइन, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा ये लग रहा है, काफ़ी स्पेस दिया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए अगर उनको यू नो उनका अगर इंटरेस्ट है। सो अगर आपके बच्चे हैं और आप चाह रहे हैं कि इस तरह की फैसिलिटी जहाँ आप रहें वहाँ ये सब फैसिलिटी हो, बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे ले जाना है या अगर उनका इंटरेस्ट है, तो इस जगह पर इस तरह की जगहों पर यू नो रहना बहुत अच्छा होता है। सो ये हम आ गए हैं यहाँ के किड्स प्ले एरिया में, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, यू नो काफ़ी आप देख सकते हैं जो वुडन का मटेरियल यूज़ किया हुआ है हर एक तरह के स्विंग को बनाने के लिए, सी सॉ है बच्चों के खेलने के लिए, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई हैं जो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली होती है, उनको बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इस तरह के काफ़ी सारे और भी इन्होंने जो प्ले एरियाज़ हैं वो बनाए हुए हैं। अब तो यहाँ है इनका ये स्विमिंग पूल और आप दो स्विमिंग पूल देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है ये है इनका क्लब हाउस एरिया, यहाँ पर एक्चुअली एक पार्टी अंदर चल रही थी तो मैं अंदर नहीं जा पाई, और यहाँ पर एक कैफ़े भी अवेलेबल है, एक पार्टी हॉल भी है, आप सामने देख सकते हैं ये पूरा ट्रैकिंग, क्योंकि शाम का टाइम है सभी लोग बाहर आ गए हैं यू नो अपने घरों से, बच्चों के स्पोर्ट्स का टाइमिंग हो गया है, टेनिस का टाइम है, और यू नो शाम के टाइम वैसे भी सब लोग बाहर ही निकलते हैं, घर में कब तक बैठे रहेंगे। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, तो इस तरीके से ना काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा था, काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही थी और यू नो होटल वाली फीलिंग भी आ रही थी, कैफ़े पूल साइड कैफ़े भी है इनके पास, ये पूरा अंदर का सोसाइटी का लुक आ गया,
तो आप देख सकते हैं टावर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसकी जो उसका इंटीरियर है वो बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। अब हम थोड़ा बाहर की तरफ वापस जा रहे हैं और यहाँ भी आपको एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई देगा। आप क्लस्टर वाइज भी देख सकते हैं, देखिए बच्चे वहाँ खेल रहे हैं तो वहाँ भी छोटे छोटे एरियाज़ बने हैं बच्चों के खेलने के लिए। ये आ गया है यहाँ का एक और मेजर बड़ा वाला जो स्विमिंग पूल है, वो जो स्विमिंग पूल था वो क्लब हाउस के पास था। ये इनका जो फ्रंट पे है वो है, और यहाँ पर एक और किड्स का स्विमिंग पूल भी दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ गई। और कनेक्टिविटी वाइज अगर बात करें इस लोकेशन की तो वैसे भी बहुत अच्छी है। कोलशेट रोड है, ऑटोज़ वगैरह आप देख सकते हैं अंदर ही खड़े हैं, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने राइट साइड में देखा, ये राइट साइड में यहाँ की मल्टी लेवल पार्किंग आ जाती है। सो ये हो गया लोधा हमारा का टूर, और काफ़ी वाइब्रेंट फीलिंग आई मुझे यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल लगा यहाँ के लोगों का, यहाँ के बच्चों का, यहाँ के स्पोर्ट्स और जो फिटनेस फ्रीकर्स हैं उनका। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि लोधा हमारा के जो सैम्पल फ्लैट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।